लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक बंदा ये काम करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं कपिल शर्मा की। लेकिन ये काम उसके लिए इतना आसान नहीं था। बचपन में ही उसने कैंसर की वजह से अपने पिताजी को खो दिया था। घर का सारा पैसा पिताजी के इलाज में लग चुका था। उसके पिताजी हेड कॉन्स्टेबल थे, चाहता तो वो उनकी जगह अपनी जॉब ले सकता था, लेकिन उसने कॉमेडी के अपने पैशन को फॉलो करने की ठानी। इसके लिए उसने द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। पहली बार तो वो सेलेक्ट नहीं हो सका, लेकिन दूसरी बार उसने फिर से कोशिश की और ना सिर्फ इस बार वो सेलेक्ट हुआ बल्कि उसने शो को जीता भी। उसके बाद उसने जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। K9 नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला और उसमें अपने नाम का एक शो शुरू किया और आज वो शो द कपिल शर्मा शो के नाम से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। तो इस कॉमेडी के किंग के लिए एक लाइक तो बनता है। वो 5,000 रुपए पर मंथ पर एक रेस्टोरेंट में गाना गाता था। एक दिन उसने अपने गाने का वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया, जिसे एक बड़ी कंपनी ने देखा और उसे गाने का ऑफर दे दिया। उस बंदे ने 10 ही दिन में मेहनत करके 7 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन उस बड़ी कंपनी ने एक भी गाना सेलेक्ट नहीं किया। उस बंदे का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद उसने अपने मोबाइल से फनी वीडियोज को फेसबुक पे अपलोड करना शुरू किया। वही सेम वीडियोज उसने यूट्यूब पे भी डालना शुरू किया। पहले कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन उस बंदे ने सेम सेटअप के साथ 100 के करीब वीडियोस बना डाली और उसी में से एक वीडियो पाकिस्तान में सुपर वायरल हो गए और उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़के कभी नहीं देखा और आज वो बंदा इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स के साथ नंबर 1 यूट्यूबर है। सर्जन कहाँ से लाऊं? अरे हमसे बड़ा सज्जन कोई पैदा नहीं हुआ। सर्जन गाइज, अपनी मेहनत के दम पे एक साधारण सा बंदा कहां से कहां तक पहुंच सकता है ये आप भुवन बाम से सीख सकते हैं। तो उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। सन 1954 में 92 यात्रियों के साथ एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील की तरफ उड़ान भरती है। 18 घंटे का ये सफर था, लेकिन महीनों निकल गए, वो फ्लाइट कभी लैंड ही नहीं हुई। लोगों ने मान लिया था कि नीला आसमान उस फ्लाइट को निगल चुका है। फाइलें बंद, सेंटियागो की फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ आप लोगों को सुनना चाहिए। ठीक 35 साल बाद सन 1989 में वही फ्लाइट ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंड करती है। वहां की अथॉरिटीज ने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। उसके बाद वो लोग फ्लाइट पे चढ़े, लेकिन जो उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। सिर्फ उन लोगों के कंकाल कुर्सी की पेटियों के साथ बंधे हुए थे। जब वो कॉकपिट की तरफ भागे तो पायलट के भी कंकाल ही बंधे हुए थे। अब सवाल ये है कि अगर पायलट के कंकाल ही बंधे हुए थे तो फ्लाइट लैंड कैसे हुआ? विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जब वो अपनी पहली सोलो मूवी रिलीज रॉकी का इंतजार कर रहा था तो उसके 3 दिन पहले उसकी माँ का देहांत हो गया। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस गम को भुलाने के लिए उसने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन ड्रग की लत ने उसे मार दिया। 2 साल तक ड्रग की लत को छुड़ाने के लिए वो US रहा, लेकिन उसके बाद जब उसने कमबैक किया तो खलनायक जैसी मूवी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। लेकिन प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं हुई। 1993 के बम धमाकों में अवैध हथियार रखने के चक्कर में उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन फिर से जब रिहा हुआ तो वास्तव जैसी मूवी में फिल्म फेयर अवार्ड जीते और उसके बाद मुन्ना भाई जैसी मूवी में राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीते। लेकिन प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं हुई। 2013 में अदालत ने उसे फिर से दोषी पाया और 5 साल की कैद की सजा सुना दी। इतने उतार चढ़ाव देखने वाले हमारे संजू बाबा आज भी अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए हैं। तो अपने संजू बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है। पंजाब के बठिंडा के एक छोटे से गांव से निकला हुआ ये लड़का, जो अपनी गायकी से उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की याद दिलाता है, रातों रात इंडियन आइडल 11 का खिताब जीत के सुपरस्टार बन गया। लेकिन ये सफर उसके लिए इतना आसान नहीं था। बचपन में ही ऐसे में पिताजी की मृत्यु हो गई। अपनी माँ को और घर को सहारा देने के लिए उसे बूट पॉलिश तक करना पड़ा। बिना तालीम के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने सुन सुनकर उसने गायकी सीखी और उसके बाद उसने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये लाइमलाइट में तब आया जब आनंद महिंद्रा ने उसके एक वीडियो को ट्विटर पे शेयर किया। फिर उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़के कभी नहीं देखा और फाइनली इंडियन आइडल का खिताब अपने नाम कर लिया और अपनी मां का सपना भी पूरा किया। तो इस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। हम जिंदगी में बहुत बार हार जाते हैं, गिर जाते हैं और कभी कभार तो हम लोग उठने की कोशिश भी नहीं करते, और जब वक्त निकलता है तो हम सोचते हैं कि काश एक बार और मैंने कोशिश कर ली होती।
इस केस में क्या करें मैं आपको बताता हूँ। ऊपर एक वीडियो चल रहा है, 3 साल का एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक स्केटर है और उसके मन में कोई डर का गिरने का भाव ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, मैं स्केटिंग करते हुए गिरूंगा, फिर से उठूंगा और फिर से कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे इस काम में मजा आता है। तो बच्चे बन जाओ, गिरने से डरो मत, फिर से उठो क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसके पास ना काम था ना पैसा, मजबूरी में आकर उसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए रातें उसे बस स्टॉप पर रहकर गुजारनी पड़ी। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे $25 में अपना फेवरेट कुत्ता तक बेचना पड़ा। लेकिन एक दिन उसने मोहम्मद अली का मैच देखा, उससे इंस्पायर होकर 20 घंटे लगातार बैठ के उसने स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट को लेकर एक प्रोड्यूसर के पास गया। उस प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो उसके लिए $1,25,000 देने को तैयार था। लेकिन इस बंदे ने शर्त रख दी कि इस मूवी में लीड रोल वही करेगा जो कि प्रोड्यूसर को नागवार था। उस प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें $2,50,000 देने को तैयार हूं स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। फाइनली उसे हीरो बनाया गया उस मूवी में और मूवी को रिलीज किया गया। उस मूवी का नाम था रॉकी, जो कि सुपर हिट साबित हुई। बंदे का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। जिस बंदे को $25 के लिए अपना कुत्ता बेचना पड़ गया था, आज वो $500 मिलियन का मालिक है। ना इंस्पायरिंग बात।